विद्या भारती की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 7 के संस्कृत विषय में पहले पाठ के 4 प्रश्नोत्तरों का काम आपको पहले बताया जा चुका है। आज हम 5वें प्रश्न से शुरू करेंगे। प्रश्न 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहां पर आश्रय नहीं करना चाहिए। उत्तर है, दाने दान में, तपसी तपस्या में, सूर्य शक्ति प्रदर्शन में, विज्ञानी विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए नीति में, विनम्रता में, विस्मयो आश्रय न कर्तव्य, इन चीजों में आश्रय नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे और भी रत्न हैं, इसलिए इन सब चीजों में आश्रय नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि काली, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं? तो पृथ्वी पर रत्न है जल, अन्न और सुभाषित। जल अन्नम सुभाषितम चय त्रिणी रत्नानी, जल मानी जल, अन्न मानी अनाज या अन्न, सुभाषितम मानी सुंदर वचन, ये 3 रत्न पृथ्वी पर हैं। अगला प्रश्न है, तप्त लज्जय पुत्र सुखी भवेत, कहां लज्जा काटने वाला सुखी होता है, कहां पर लज्जा को छोड़ने वाला, शर्म को छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होता है? उत्तर रहेगा, धन धान्य प्रयोगे सुख, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या संग्रहे सुख, विद्या के अर्जित करने में, ज्ञान प्राप्ति में, और आहारे व्यवहार में, आहारे मानी भोजन में और व्यवहार मानी लेन देन में। इन चीजों में जो व्यक्ति शर्म को छोड़ता है वो हमेशा सुखी रहता है। अगला प्रश्न है, छठा, मंजूषा पदानि चित्वा लिंगानुसारं लिखत, मंजूषा मानी शब्दकोश में से पदों को चुन करके, चित्वा मानी चुन करके लिंग अनुसार, जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, लिंगानुसार लिखने हैं। शब्द है आपके मंजूषा में, रत्नानि वसुंधरा सत्यं सुखी अन्नम वहीं रवि पृथ्वी संगति, इनको आपको लिंगानुसार चयन करके और लिखना है। अब लिंग संस्कृत में 3 होते हैं, पुलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब हम इसको लिंगानुसार लिखेंगे। पुलिंग में कौन कौन से शब्द आएंगे? पुलिंग में आ जाएंगे सुखी वहीं और रवि, स्त्रीलिंग में शब्द आएंगे वसुंधरा पृथ्वी और संगति, नपुंसकलिंग में शब्द आएंगे रत्नानि सप्तेन अन्न। अब इस पाठ का अंतिम प्रश्न आपका, अधोलिखित पदेषु धातुवे के सन्ति, अधोलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे गए में, नीचे लिखे गए में, तो करोति, करोति की धातु कौन सी हुई? कृत धातु हो गई, पश्य धातु है, उसकी मूल धातु कौन सी है? दृश्य, भवेत की है भू और तिष्ठति की है स्था। इस प्रकार आपके पहले पाठ के 7 प्रश्न संपूर्ण हो चुके हैं। आपको इन प्रश्नों को और उत्तरों को कॉपी में लिखना है, वो भी सुलेख में लिखना है, इसलिए अपनी कॉपी में काम कर लेना। अब आगे हम अध्ययन करेंगे दूसरे पाठ का। द्वितीय पाठ है जिसका शीर्षक है दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट बुद्धि से व्यक्ति का विनाश हो जाता है, या दुष्ट बुद्धि होती है वो विनाशकारी होती है। अस्ति मगध देशे
फुल्लोत्पल नाम सरल तत्र संकट विकटो हंसो निवसता है। पहले शाब्दिक मीनिंग अस्ति है, मगध देशे मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरे ताला, तत्र वहां संकट विकटो संकट और विकट नाम की हंसो द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ हंसों में, इसका मतलब दो हंस निवसते रहते हैं। तो पूरी पंक्ति का हो गया मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है, तत्र वहां संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। अगली पंक्ति कम्बु ग्रीव नामक तयो मित्र एक पूर्ण अपि तत्रेव प्रतिवस्ति स्म। कम्बु ग्रीव नामक तयो उन दोनों का, किसका संकट और विकट का, उन दोनों का मित्र एक है एक कुर्मे कछुआ अपि भी तत्र वहीं पर प्रति वस्ती स्म रहता था। तो कम्बु ग्रीव नामक उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहां रहता था। अगली पंक्ति है अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन् ते अकथयन् वयम् स्वः मत्स्य कुर्मादीन् मारयिष्यामः। अथ मानी इसके बाद, एकदा एक बार धीवरा मछुआरे, धीवरा जो शब्द है वो बहुवचन का है इसलिए मछुआरा नहीं होगा मछुआरे होगा, मछुआरे तत्र वहां। अब कर्ता के हिसाब से क्रिया आएगी, आगच्छन जो क्रिया है वो बहुवचन की है, आगच्छन मानी आगे आए ते वे एकथन कहने लगे या उन्होंने कहा वयम हम अर्थात हम या हम सब स्वयमानी आने वाला कल, और एक होता है हैय, हैय मानी होता है बीता हुआ कल, तो यहां पर क्या है स्वयमानी आने वाले कल। मत्स्य मछली कुर्मादीन कछुआ आदि, कुर्म प्लस आदिन, कुर्म मानी कछुआ और आदि मानी आदि, मछली आदि को मारिष्या में मारेंगे। तो अर्थ हो गया इसके बाद एक बार मछुआरे वहां आ गए, कहां आ गए जहां पर संकट और विकट रहते थे और उनका मित्र कछुआ रहता था, तो वहां पर इसके बाद एक बार मछुआरे वहां आ गए, उन्होंने कहा हम कल मछली कछुआ आदि को मारेंगे। तो अब आगे देखो क्या होगा वो आप अगले वीडियो में देखेंगे, अभी तो उनके समस्या उत्पन्न हुई है, अब समस्या का निदान वो कैसे करते हैं तीनों मिलकर वो आपको देखना है।